Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, मैं corporate trainer अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल Civil Guruji में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका रिज्यूमे, क्या आपका बायोडाटा डिसाइड करता है कि आप जिस इंटरव्यू में गए हैं, जिस कंपनी में गए हैं, उसमें आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि आप सभी को लगता है कि हाँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि रिज्यूमे कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, तो प्लीज तो भी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। तो ये आज हम बात करने वाले इसी के बारे में। तो यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंजीनियर, जब आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आपके कॉलेज पे कोई कंपनी आती है, तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है कि आप जाते हो, आप नहीं जाते हो। सबसे पहले इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूमे जाता है। वो रिज्यूमे डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यूअर किस नज़र से देखेगा, या जब आप कहीं किसी मेल के थ्रू किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए रिज्यूमे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कंपनी के पास सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है। वो रिज्यूमे डिसाइड करवाता है कि आप कौन हो। वो कंपनी को, वो इंटरव्यूअर को बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस लेवल के हैं, आपको कितना नॉलेज है। तो इसलिए एक सिविल इंजीनियर को रिज्यूमे बनाना तो आना ही चाहिए। इंजीनियर्स, हमने बहुत सारे रिज्यूमे देखे हैं। हमने देखे हैं कि एक इंजीनियर के रिज्यूमे में जो हॉबी होता है, उसमें लिखा रहता है प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक। आपके साइट पे कोई उसका इम्पोर्टेंस है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे में वही मेंशन करना है जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जैसे यदि आप एक साइड इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको लिखना है कि टीम मैनेजमेंट हमारी हॉबी, हमें टीम को मैनेज करना अच्छा लगता है, तो वो कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो आपको वही चीज़ मेंशन करना है रिज्यूमे में जो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाए। ये नहीं कि कुछ भी लिख देना। हमने देखा है कि एक कोई भी टीचर जाता है टीचिंग के लिए, एक इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ लिख देता है लिसनिंग म्यूजिक। अरे भैया, कोई भी कंपनी आपको गाना सुनाने के लिए तो रखी नहीं रखी है, उसको काम आना चाहिए। आपको वही चीज़ मेंशन करो जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। अब ऐसा भी होता है, अब आई कोई भी डेजिग्नेशन बिलिंग ईयर के लिए और आप वहाँ लिख रहे हो जो भी आपकी स्किल है साइड ईयर के लिए, कोई कंपनी आपको रखेगी क्या? नहीं रखेगी। जैसे एज्यूम कीजिए कि आप कुक है कोई, और कोई भी आपको बुलाता बोलता है सर हमको पनीर बनाना, आप उसको पनीर की जगह आप कोई दूसरी सब्जी बना के दे दो, है तो सब्जी ही ना, क्या आपको रखेगा क्या? नहीं रखे। आपकी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए रिज्यूमे भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो रिज्यूमे में वही चीज़ मेंशन करना है जो टेक्निकल नॉलेज कंपनी को चाहिए, वही टेक्निकल नॉलेज आपको मेंशन करना है। जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज कंपनी को चाहिए, वही सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको मेंशन करना है। अननेसेसरी चीज़ें उनमें मेंशन नहीं करना। इंजीनियर, आपको समझ में आया होगा कि जो आपके किसी भी कंपनी में कैंपस के जो चांसेस बढ़वाता है, वो बढ़वाता है रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे डिसाइड करता है कि आपको कंपनी में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कंपनी मेरी साइड इंजीनियर के लिए पोस्ट निकलती है, तो आपको साइड इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को मेंशन करना। तो इंजीनियर, आपको अपने रिज्यूमे में वही मेंशन करना है जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आपको जितना भी आता है, आपको केवल वही चीज़ें मेंशन करना है जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। वही स्किल को, वही टेक्निकल नॉलेज, वही सॉफ्टवेयर पार्ट का नॉलेज, वही मेंशन करना है जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जिस पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकली है, आपको उसी पोस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही को मेंशन करना है। तो आपके जो चांसेस होते हैं प्लेसमेंट के, वो बढ़ जाते हैं। तो इंजीनियर, आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंजीनियर अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए, अलग अलग कैसे फॉरवर्ड में रिज्यूमे बनाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक बढ़िया रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, अलग अलग पार्ट के लिए कैसे रिज्यूमे बनाते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी काउंसलर टीम का जरूर कॉल कर सकते हैं। इंजीनियर, हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234 पर कॉल करिए और आप इसके बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। इंजीनियर, मैं आपको बता दूँ कि सिविल गुरुजी आपको फुली टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ, आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के साथ साथ, रिज्यूमे कैसे बनाना है, कंपनी में कॉल कैसे
करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, इसके बारे में भी डिटेल में नॉलेज देती है। तो यह चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।